नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। तो सीएम गहलोत उदयपुर में इस वक्त मौजूद हैं। सीएम अशोक गहलोत सर्किट हाउस में आज जनसुनवाई करेंगे, इसके बाद होटल में ही मीडिया से संवाद का भी कार्यक्रम है। आपको बता दें, सीएम गहलोत के मेवाड़ वागड़ दौरे का आज तीसरा दिन है। कुछ ही देर में उदयपुर में सर्किट हाउस में वो जनसुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोगों को कई सौगातें कल मुख्यमंत्री ने दी और आज के भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं। उदयपुर में इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद हैं, कई कार्यक्रम आज भी, कल भी कई कार्यक्रम रहे, कल कई सौगातें मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी, मीडिया से आज संवाद करेंगे। अविनाश जगनावत हमारे सहयोगी उदयपुर से सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अविनाश, क्या तैयारियां हैं आज मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर, आज क्या प्लानिंग है? क्योंकि कल कई योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री ने लोगों को दी, कल लोग बहुत खुश नजर आए, आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का, बताएं अपडेट। हेलो, आज बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी सर्किट हाउस में हैं और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में चर्चा कर रहे हैं और कुछ देर बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नीचे जहाँ पे जनसुनवाई के लिए टेंट लगाया गया है वहाँ पे पहुँचेंगे। और आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेके पहुँचे हैं। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो जब भी वो किसी भी जिले के दौरे पर होते हैं तो वहाँ पर लोगों की समस्याओं को जरूर जो है वो सुनते हैं, उनकी समस्याओं का किस तरह से समाधान किया जाए उसको सुनते हैं। और क्योंकि लोगों को भी एक उम्मीद होती है तो वो अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ लोग मेरे साथ में, उनसे बात करेंगे। होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं, क्या आप लोगों की समस्या, क्या समस्या लेकर आप यहाँ पे आए हैं? जो राज्य सरकार ने यात्री कर लगाया है, हम उसके विरोध में यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। उदयपुर पर्यटक सिटी है, जिलों की नगरी है और मैं आपको बता चाहूँ राजस्थान में केवल उदयपुर में ही यात्री कर को लगाया गया है। और वैसे भी जो कचरा शुल्क नगर निगम, नगरीय विकास कर और नगरीय उपकर और इस तरह से कितने ही GST और कर ले रही है शहर की सुविधा सुंदरता के लिए, लेकिन ये यात्री कर लगाना सर्वथा अनुचित है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इसको हटाया जाए, ताकि नहीं तो क्या होगा कि जो यात्रीगण है वो दूसरे राज्यों की तरफ रुख करेंगे और पर्यटक पर असर पड़ेगा। क्या आप कहेंगे, केवल उदयपुर के ऊपर ही इस तरह का कर क्यों? उदयपुर नगर निगम ने जो ये कर लगाया है ये पर्यटन पे विपरीत प्रभाव डालेगा। इस प्रकार का कर लगाना बिल्कुल भी अनुचित, बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस कर से दोहरी मूल्य नीति हो जाती है कि शहर के बाहर की होटलों के पास ये कर नहीं होगा तो उनको ये कर नहीं वसूलना है और शहर के अंदर के होटलों से को ये कर वसूलना है, तो पर्यटक भ्रमित होगा। और आज का टाइम प्रतिस्पर्धा का दौर है, ऑनलाइन व्यापार का दौर है, ऐसे में पर्यटक को भ्रमित करना व्यापार को इस तरह का सुझाव भी लेके आए हैं आप लोग? बिल्कुल, ये यात्री कर लगाए हैं पूर्णतः अप्रासंगिक, गलत है, क्योंकि ऑलरेडी होटल व्यवसाय द्वारा GST के रूप में केंद्र सरकार, राज्य सरकार को भुगतान किया जा रहा है। लोकल स्तर पर नगरीय विकास कर, नगरीय शुल्क, अपने UD टैक्स प्लस लाइसेंस फीस दी जा रही है, ये पूर्णतः गलत है। हम इसके चाहते कि नहीं लगना चाहिए, फिर भी बाई चांस किसी का लगता है तो होटल व्यवसाय इसका क्यों इसका भुगतान करे या वो इसकी क्यों व्यवस्था करे, जो भी जिस डिपार्टमेंट लगे वो उनके स्तर पर व्यवस्था करे। और निश्चय ये जो लगता है इसे बहुत बड़े लेवल पर इंस्पेक्टर राज का बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए उदयपुर की बात करें तो ये होटल के ऊपर जो कर लगा है एक बड़ा इशू है, उसको लेके आए हैं कुछ महिला भी, आप किस क्या समस्या लेके आए? सर, मैं अपनी समस्या लेकर के आई हूँ। मैं एक्स एम्प्लॉय ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल उदयपुर में काम किया मैंने 15 साल, और मुझे विदाउट एनी रीज़न वहाँ से मैंने रेजिग्नेशन दिया तो मुझे 3 मंथ्स का नोटिस सब नहीं करने दिया। उसके बाद मैं 1.25 साल से अलग अलग विभागों में अपनी शिकायत लेकर के जा रही हूँ और मेरा भुगतान जो कि अर्न लीव, PF, ग्रेचुटी, इस तरह का जो पैसा बनता है उसके लिए शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक उदयपुर की एंजेलिका पलात मैडम ने ऑर्डर भी निकाल दिए, वो भुगतान भी मुझे गोविंद अग्रवाल दिल्ली पब्लिक स्कूल उदयपुर के नहीं दे रहे। मैंने उदयपुर के जितने भी, क्या क्या कहेंगे, आज मैं मुख्यमंत्री सर से ही कह रही हूँ, मैंने उदयपुर के जिलाधीश महोदय तक से भी मैं मिल चुकी हूँ 20 मार्च को, आज तक मेरे किसी भी मेरे इस काम को लेकर के किसी ने भी कोई प्रयास नहीं किया। सब लोग, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं गोविंद अग्रवाल, और सब चुप हो जाते हैं, लेकिन आज मैं लास्ट उम्मीद से आई हूँ कि मुख्यमंत्री साहब इस काम में मेरी कुछ मदद करेंगे, मेरी इस प्रार्थना को सुनेंगे। देखिए, अंतिम उम्मीद यहाँ पे जनसुनवाई को लेके रहती है, हर जगह जब लोग जाते हैं और उनका काम नहीं होता है तब यहाँ पे आते हैं। और देखिए, एक लंबी कतार यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं लोग, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या और भी किसी संगठन से जुड़े हुए या सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हो, वो सभी यहाँ पर बैठे हुए और इंतजार है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे आएंगे और वो अपनी बात
उनके सामने रखेंगे। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, जो बड़ी उम्मीद में आए हैं कि कहीं नहीं सुनी जाएगी तो यहां जरूर सुनी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अविनाश इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री इस वक्त जो है वो उदयपुर में ही है, सर्किट हाउस में जनसुनवाई की तैयारियां पूरी कर ली गई, कुछ पलों में मुख्यमंत्री आएंगे कि आगे के काम जो है यहां पर शुरू होंगे। लेकिन बढ़ेंगे आगे जयपुर से अगली खबर। विभागों में आज से रौनक लौटी है। आपको बता दें कि मंत्रालय कर्मचारी आज से काम पर लौटे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 57 दिनों के संघर्ष के बाद, लंबे संघर्ष के बाद ये काम पर लौटे हैं। 7 सूत्रीय मांगे थी, सहमति पत्र मना, 2 सूत्रीय मांगों पर कमेटी के गठन की बात हुई, 2 मांगों के आदेश जारी हुए। कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव से वार्ता के बाद ये समिति बनी और फाइनली 57 दिनों के इस लंबे अंतराल के बाद में, लंबे संघर्ष के बाद में मंत्रालय कर्मचारी हैं वो वापस काम पर लौटे हैं। विभागों में आज से ये काम करेंगे मंत्रालय कर्मचारी, आज से काम पर लौटा है। 57 दिनों से इनका संघर्ष लगातार जारी था, 7 सूत्रीय इनकी मांग थी जिसको लेकर लगातार वार्ता चल रही थी, लेकिन अब सहमति बन गई है। सहमति बनने के बाद में किन पॉइंट पर सहमति बनी वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। विभागों में आज से काम पर ये सभी कर्मचारी जो है वो लौटेंगे। पिछले 57 दिनों से ये संघर्षरत थे, लगातार इनका प्रदर्शन जारी था, इनकी कुछ वाजिब मांगे थी, उन्हीं मांगों को पूरा करने के लिए ये लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्य सचिव से वार्ता हुई और वार्ता सक्सेसफुल रही, सकारात्मक पॉजिटिव रही, उसके बाद में अब ये निर्णय लिया गया जो कर्मचारी हैं वो काम पर लौटेंगे और जो रौनक है विभागों की वो एक बार फिर से लौटेगी, क्योंकि सुनसान पड़ा हुआ था मामला, कोई वहाँ पर काम कर नहीं रहा था। अब ऐसे में कर्मचारी काम पर लौटेंगे और कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव से बातचीत के बाद ये समझौता हुआ। तो राजस्थान में चुनाव का समय अभी बचा है, लेकिन राजनीति परवान पर है। बारोल की भी राजनीति एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए दिखाई दे रही है, जिसका ताजा नजारा बारोल क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पर सोशल मीडिया पर नेताओं के समर्थक एक दूसरे पर अनर्गल टिप्पणी कर सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है कि वो किसी के परिवार को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी नेता डॉक्टर शानू यादव के द्वारा बारोल सदर थाने में आधा दर्जन यानी करीब करीब 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है। बीजेपी नेता डॉक्टर शानू यादव ने बताया कि पिछले कई दिनों से उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर अनर्गल टिप्पणियां की जा रही थी। सोशल मीडिया पर जो अकाउंट बना रखे हैं वो फर्जी और फेक हैं, जो मुझ पर अलग अलग तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, जिससे मुझे और मेरे परिवार को बदनाम किया जा रहा है। इसको लेकर आज बारोल सदर थाने पहुंचकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। वहीं सदर थाने के ASI जयपाल ने बताया कि सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता डॉक्टर शानू यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर प्रचार किया जा रहा था, जिस पर उनके द्वारा सदर थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जाँच में क्या निकल कर आता है ये बाद में पता चल पाएगा। कुछ लोगों ने ID बना के, या पुराने जो भी लोग हैं यहाँ पे बहरोड में, उन्होंने ID बनाकर मेरे खिलाफ एक तरह से षड्यंत्र रचा गया, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, कुछ भी कारण उनके हो सकते हैं। उसमें उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें, झूठ जो है प्रचार किया है, मेरी फोटो डाली गई है, उन सबके खिलाफ हमने FIR दर्ज करवाई है। उदयपुर से अगली खबर है, बदमाशों ने दुकान से दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार होकर आए 2 बदमाशों ने गले से नकदी पार कर ली। अब घटना के समय दुकान मालिक दुकान पर नहीं मौजूद था। चोरी करते से बदमाश CCTV में कैद हो गए। हिरणमगरी सेक्टर 4 की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। हिरणमगरी थाने में ये मामला भी दर्ज हुआ है। पुलिस इन्हीं फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। दिन दहाड़े चोरी की ये वारदात, दुकानदार उस वक्त दुकान पर था नहीं, मौका देखा, गले पर हाथ साफ किया, बाइक उठाई, हो गए फरार। दिन दहाड़े चोरी की वारदात। अगली खबर बीकानेर से हम लेंगे, क्योंकि सुजान देसर गांव में बदमाशों ने फिल्म स्टाइल में दहशत मचा दी। करीब करीब 12 से ज़्यादा बदमाश पहुंचे, जिन्होंने दहशत फैलाई। बदमाशों ने पिकअप गाड़ियों को खुलेआम मोहल्लों में फिल्म स्टाइल में दौड़ाया। इस दौरान एक गाड़ी पलट भी गई। देर रात का घटना जो है वो बताया जा रहा है। वीडियो सामने आ चुका है, शराब ठेकेदार में आपसी विवाद से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। बदमाशों ने एक मकान पर भी शराब के बोतलों से हमला किया। उत्साह ग्रामीणों ने इस दौरान युवक को पकड़कर धुनाई भी की। वाकया गंगा शहर थाना इलाके का बताया जा रहा है। खुलेआम घरों में गाड़ी घुसा के मार रहे हैं।
सुजान देसर गांव में पुलिस प्रशासन मर चुका है। ये देखो भाई, ये दो घंटे के बाद में गाड़ी और खुलेआम घरों में गाड़ी घुसा के मार रहे हैं। अजमेर से अगली खबर, देश का छठा मेगा रोजगार मेला आज। पीएम मोदी 70,000 नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। अजमेर में जवाहर रंगमंच पर आयोजित हो रहा है ये मेला। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे आयोजन स्थल। विधायक अनिता भदेल, मेयर ब्रजलता हाड़ा, डिप्टी मेयर नीरज जैन मौजूद। पीएम के संबोधन के बाद वितरित होंगे नियुक्ति पत्र। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, अजमेर से खबर है, देश का छठा मेगा रोजगार मेला आज लग रहा है। पीएम मोदी 70,000 नियुक्ति पत्र जो है वो वितरित करेंगे। बढ़ेंगे आगे, जयपुर के कोटपुतली से खबर है, जलदाय विभाग की भारी लापरवाही देखने को मिली है। आमजन पर दरअसल ये लापरवाही अब भारी पड़ रही है। पेयजल सप्लाई में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। पीने के पानी के लिए मोहल्लेवासी तरस रहे हैं। कई बार जलदाय विभाग को अवगत कराया गया लेकिन सुनवाई हो नहीं रही है। पुरानी नगर पालिका तिराहे से राजभवन के बीच लाइन में खराबी है। मोहल्ला बूचाहेड़ा के वार्ड नंबर 18 का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। जयपुर के कोटपुतले से खबर, जलदाय विभाग की भारी लापरवाही जो आम जन पर पड़ रही है भारी। गंदा और बदबूदार पानी, पीने के पानी के लिए मोहल्लेवासी परेशान है, तरस रहे हैं। जलदाय विभाग को अवगत कराया गया है लेकिन बड़ी चीज़ यह है कि जलदाय विभाग सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना बैठा, मूक दर्शक बना बैठा है। पेयजल की सप्लाई है, पीने के पानी की जो सप्लाई, उसमें गंदा बदबूदार पानी आ रहा है। अब ऐसे इसको कैसे पिया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है और इसको लेकर शिकायतें लगातार की गई हैं लेकिन अब तक इस पर कुछ काम नहीं हुआ है। नगर पालिका पाइपलाइन जो है वो खराब, अब ऐसे में कैसे इस पानी को पिया जाए, ये बड़ा सवाल। ये तस्वीरें आई हैं, ये पानी आ रहा है, आप देखिए। इसी की शिकायत जो है वो की गई है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण सामने होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। बारा जिले के किशनगंज थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई नाबालिग बालक की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने तकनीकी और विशेष मुखबिरों से प्राप्त सूचना, डार्क स्क्वाड फॉरेंसिक टीम की मदद से अज्ञात अपराधियों का पता लगाया। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि 8 जून को फरियादी ने मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि 7 जून को नाबालिग लड़का घर से आइसक्रीम खाने के लिए निकला था जो अब तक वापस नहीं लौटा है। पुलिस टीम ने तकनीकी और विशेष मुखबिरों से प्राप्त सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तार किया। बढ़ेंगे आगे, चूरू जिले की साहवा पुलिस ने नकली सोने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध सोने के बिस्किट के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को गश्त के दौरान दो युवकों पर शक हुआ तो उनकी तलाशी ली गई। उनके पास से 1454 ग्राम के नकली सोने के बिस्किट बरामद हुए। आरोपियों ने बताया कि गुवाहाटी से 300 किलोमीटर आगे से नकली सोना वो लोग लेकर आए। दोनों आरोपी सावा निवासी हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मीडिया के सामने पेश नहीं किया। इससे पहले की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मीडिया के सामने पेश क्यों नहीं किया गया अगर इतना बड़ा मामला निकला है। राजधानी की सड़कों को सिग्नल फ्री बनाने की जेडीए की कवायद पूरी होती नजर नहीं आ रही है। जेडीए ने राजधानी की सड़कों को सिग्नल फ्री बनाने के लिए बीटू बायपास चौराहा और लाल कोठी चौराहे पर पिछले करीब 1.5 साल पहले काम शुरू करवाया था लेकिन काम की कछुआ चाल के चलते अभी तक 50% भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। ऐसे में अब विभाग के पास सिर्फ 4 महीने का वक्त बचा है लेकिन धीमी गति के चलते इन 4 महीनों में काम पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। यूडीएच सचिव और जेडीसी ने भी B2 बाईपास सहित अन्य प्रोजेक्ट्स का दौरा कर निर्माण कार्य को गति देने के निर्देश दिए हैं लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। निर्माण में धीमी गति को लेकर अब यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल पर भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। लोगों का कहना है कि जो प्रोजेक्ट यूडीएस मंत्री के
गृह जिले में शुरू हुए थे वो समय अवधि के अनुसार पूरे होकर सुचारू हो गए हैं, लेकिन राजधानी जयपुर में करवाए जा रहे निर्माण कार्य धीमी गति के चलते आज भी अधूरे हैं। राजधानी को सिग्नल फ्री करने के लिए जेडीए ने कई चौराहों को लेकर प्रोजेक्ट बनाया है, जिनमें हम खड़े हैं ईपी चौराहे पर, जिसे B2 बाईपास चौराहा कहा जाता है। राजधानी के सबसे बड़े चौराहों में से एक B2 बाईपास चौराहा, जिसपे भी सबसे अधिक ट्रैफिक का भार माना जाता है। ऐसे में पिछले 1.5 वर्षों से सिग्नल फ्री बनाने के लिए इस पर निर्माण कार्य जारी है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये लग नहीं रहा कि ऐसे में डेडलाइन पर इसका कार्य पूरा हो पाएगा। B2 बाईपास चौराहे का निर्माण चल रहा है, क्या लग रहा है कार्य को देखते हुए? सर, इससे लग रहा है कि ये जनता को परेशान करने का काम कर रखे, बिल्कुल धीरे गति से काम हो रहा है। और यही स्थिति है, जो कि ये तो नहीं होता जो ही बढ़िया था, कम से कम लोग परेशान नहीं होते। इससे राजधानी की जगह है ये, और यहाँ से तीनों चारों तरफ रोस्ता जाता है। कि जयपुर के काम अटके हुए, क्या मानते हैं आप? राजस्थान सरकार के जयपुर में राजधानी में 4 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनमें से एक B2 बाईपास का चौराया भी है। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था उन चारों चौराहों में से। गहलोत सरकार के अच्छे प्रोजेक्ट हैं, बढ़िया चल रहे थे, लेकिन शांति धारीवाल जी को थोड़ा सा फोकस जयपुर पे भी करना चाहिए, क्योंकि जयपुर एज ए राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ना कि कोटा है। वो उन्होंने कोटा को उन्होंने फोकस कर रखा है, साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है। लोगों का कहना भी है कि कहीं ना कहीं मंत्री द्वारा भेदभाव किए जाने के कारण जयपुर के कार्यों में लेट लाती भी नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ दिनेश तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। बढ़ेंगे आगे, टोंक की बात करेंगे। टोंक जिले में पुलिस अधीक्षक की गठित जिला स्पेशल टीम ने दोनी पुलिस थाना इलाके में खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम देकर विस्फोटकों से भरी गाड़ी जब्त की गई, जिसमें जिलेटिन की छड़ों, डेटोनेटर सहित अन्य विस्फोटक सामग्री भरे हुए 106 कार्टन मिले हैं। साथ ही दो आरोपी सांवरलाल कुमावत और रामदेव लोधा को गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिक पूछताछ में बरामद विस्फोटक लाइसेंसधारी मैगजीन फार्म को बताया जा रहा है, जिसे बारिश के चलते कई अन्य ठिकानों पर रख दिया गया था। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। खनन माफियाओं पर भी बड़ी कार्रवाई, विस्फोटक से भरी गाड़ी जब्त, विस्फोटक सामग्री से भरे 106 कार्टन मिले। कुल मिला के इस तरह की विस्फोटक सामग्री 106 पेटी बरामद की गई है, और मुलजिम मौके से जो और मौजूद थे, सांवलाल सुनब रामकरण व रामदेव सुनब जगदीश लोधा जो वहाँ पर मौजूद थे, उनको मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ेंगे आगे, हनुमानगढ़ जंक्शन की नई खोजा में सोमवार शाम को पति ने अपनी वृद्ध पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। जिला अस्पताल लेकर गए महिला को, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू हुई। जंक्शन थाना अधिकारी नरेश गेरा ने जानकारी दी, बताया कि प्रारंभिक जांच में घरेलू कलह वजह सामने आ रही है। पुलिस फरार पति की तलाश में जुटी, जिसका नाम है इशाक। आरोपी इशाक की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या का कारण जो है वो सामने आएगा। पति पत्नी विवाद के चलते एक पति द्वारा अपनी पत्नी को चाकू मारने संबंधी सूचना मिली थी, जिस पर हॉस्पिटल पहुंचा तो पत्नी के दौरान इलाज से मृत्यु हो गई। आगे जैसी रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी और जांच की जाएगी। हाँ, परिजनों से बातचीत की है, पति पत्नी का कोई विवाद था, अब क्या विवाद था उसकी जाँच करेंगे। कोटा जिले की रामगंज मंडी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए कीमत का अवैध मादक पदार्थ, 938 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया उनके द्वारा। साथ ही 2 अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस तस्करों के पास से तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली एक कार भी जब्त की है। पुलिस ने सुकेत रोड कुदायला में नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान तलाशी में कार के बोनट के अवैध मादक पदार्थ हेरोइन मिली। जयपुर से अगली खबर है, बिल तो जारी कर दो जलदाय विभाग, 5 लाख पानी के बिलों का 6 महीने से मीटर डाउन है। आपको बता दें ये स्थिति है, जयपुर में 6 महीनों से पानी का बिल गायब है। 5 लाख पानी के मीटरों का महीनों से बिल जारी नहीं किया गया। जलदाय विभाग की लापरवाही अब उपभोक्ताओं पर भारी पड़ेगी, अब एक साथ बिल देना होगा। अब उपभोक्ताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कैसे वो बिल दिया जाएगा। उपभोक्ताओं का अतिरिक्त मुख्य अभियंता RC मीणा ने कहा कि अब सारफार्म को दिया गया है पानी के बिलों का टेंडर, 20 जून से जयपुर में जारी होने लगेंगे पानी के बिल। तो उपभोक्ताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती
उनके सामने परेशानी। बिलों का टेंडर अब जाकर दिया गया है, 20 जून से जयपुर में बिल के टेंडर जो है वो जारी होने लगेंगे, लेकिन एक साथ बिल देना पड़ेगा। बिल तो अब तक जारी नहीं हुआ जलदाय विभाग की तरफ से। 5 लाख पानी के बिलों का कुछ पता नहीं है। जयपुर में 6 महीने से ये स्थिति बनी हुई है। आशीष चौहान हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। आशीष, क्या है पूरा मामला, जरा बताएं दर्शकों को। देखिए, जयपुर में पिछले 6 महीने से पानी के जो बिल है वो जारी नहीं हुए हैं, यानी कि पानी के जो बिल है उसका मीटर लगातार डाउन है। जलदाय विभाग के इंजीनियर्स लगातार फेल हो रहे हैं पानी के बिल जारी करने में। देखिए, 6 महीने से यानी पूरा आधा साल जो है निकल गया, लेकिन जो पानी के बिल है वो अभी तक जारी नहीं किए गए। जयपुर की बात करें तो जयपुर में तकरीबन 5 लाख घरों में पानी के बिल लगे हुए हैं, पानी के जो मीटर है वो लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी जो बिल है वो जारी नहीं किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सार जो कंपनी है उसको ये अब काम दिया गया है बिल छापने का, तो 20 जून तक जो बिल है वो जारी हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये हुआ क्यों। देखिए, जो पहले जो फर्म थी, पिछली जो फर्म थी विजुअल फर्म, उसकी लापरवाही के कारण बताया जा रहा है, लेकिन जब तक इंजीनियर डेटा नहीं देंगे फर्म को तब तक बिल कैसे छपेंगे। तो लगातार जो फेलियर है वो जलदाय विभाग के इंजीनियर्स की तरफ से है, क्योंकि वे डेटा फर्म को उपलब्ध नहीं करवाते हैं और बार बार इस तरह की समस्या जनता पर भारी पड़ता है, क्योंकि जनता को बार बार एक साथ बिल चुकाना पड़ता है, यानी कि जो दबाव है पूरी तरीके से जनता पर होता है और सीधे तौर पर फेलियर जो है इंजीनियर्स की यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देते। अब नई फर्म आई है तो उम्मीद यही है कि क्या जिस तरीके से जो डेटा है वो फर्म को उपलब्ध हो पाएगा, क्या इंजीनियर की लापरवाही फिर से भारी पड़ेगी, ये सवाल है। क्योंकि जनता को लगातार परेशानी होती है, भार लगातार जनता पर आता है, 6-7 महीने का जो बिल है वो एक साथ जारी होता है, तो निश्चित तौर पर एक साथ बिल चुकाने में जनता को ज्यादा परेशानियां होती है जाहिर तौर पर आशीष, और ये बहुत बड़ी चुनौती जनता के सामने हो जाएगी कि वो 6 महीने का बिल एक साथ कैसे भरे। बहुत शुक्रिया आशीष इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। पढ़ेंगे आगे। राजस्थान सरकार के खान पेट्रोलियम एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया बीकानेर के दौरे पर रहे, जहां मंत्री ने बीकानेर की गंगा जुबली गौशाला में गौशाला संचालक के साथ बैठक की, कई मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई, चर्चा हुई। वहीं मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और हम पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की भावना के अनुरूप सभी काम कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों ने महंगाई बढ़ाई है, गरीब तबका, मध्यम वर्ग और आम जन परेशान है, पिछली सरकार और इस सरकार के अनुदान में बहुत फर्क है। अब राजस्थान में गाय के लिए अनुदान 499 करोड़ से 2700 करोड़ किया गया है। उन्होंने जो बात रखी थी अनुदान बढ़ाने की, पहले पिछली सरकार में अनुदान 16 रुपये मिलता था, उसको बढ़ाकर 20 रुपये किया छोटे पशु पे, बड़े पशु पे 32 रुपये मिलता था उसको बढ़ाकर 40 रुपये किया, पहले अनुदान 6 महीने मिलता था उसको बढ़ाकर 9 महीने किया, नंदी गौशालाओं के लिए बीमार पशुओं के लिए 12 महीने किया। पिछली सरकार ने अनुदान पे पूरे 5 साल में लगभग 499 करोड़ रुपए दिए थे, हमारी सरकार ने अभी तक 2700 करोड़ रुपए अनुदान में दे चुकी है और अब ये जो अनुदान जो बढ़ा है इससे लगभग 1200 से 1400 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अनुदान गायों को जाएगा। बाड़मेर से अगली खबर है, माँ और बेटी की पानी के टांके में डूबने से हुई मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मूर्ति में रखवा दिया है। शिव थाना क्षेत्र के शिव कस्बे की ही घटना है। बालोतरा से मासूम बेटी के साथ शिवपिहर विवाहिता आई थी और शिव थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पोस्टमार्टम के बाद शव जो है वो परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। पहली खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं बाड़मेर से जो निकलकर सामने आ रही है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।